सो वेलकम बैक गाइज हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में हमने ना यहाँ पे एक मेंबर्स ओनली असेंबली बनाया था, जिसका आईपी पोर्ट मैंने दे दिया ऑलरेडी, मेंबर्स ओनली जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, हमको प्रोग्रेस करना है। और यहाँ पे हमारे सबसे पहले भाई आ चुके हैं यहाँ पे, तो इनका नाम है वैभव008। तो यहाँ पे है ना, इनको जरा एक शाउट आउट दे देते फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, हेलो ब्रो क्या चल रहा है, चाहिए बहुत मस्त चल रहा है, कुछ भी टेंशन नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़े से पेड़ काट लेते हैं क्योंकि साइन बोर्ड बनाना है, उसके बाद हम अपना सर्वाइव करने चलेंगे। तो इसमें मुझे प्रोग्रेस करना है, और ये देख सकते हो ये बेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, बट फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया है, ताकि ना हमारा स्पॉन थोड़ा अच्छा लगे ना, वैसे नॉर्मली बहुत बेकार लगता है। तो मैंने सोचा कि बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा उसको तबाह मचा देते ना, लाइक तोड़ फोड़ करते ब्लॉक लगा देते, वो होना नहीं चाहिए। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से बनाया, इसको बनाने में मुझे लाइक 3 दिन लगे थे, सब मतलब पूरा का पूरा सेटअप करने में, लेकिन फाइनली हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्रेड रखे, बंदों को स्टार्टिंग का है ना किट होता है ना, तो फूड देंगे ताकि बाकी का किट कर सकते हैं। और ये भाई तो यहाँ पे लाइक ये देख रहे हो, ये तो यहाँ पे इतना फास्ट निकले कि प्रोग्रेस करने चले गए। एक और प्रोग्रेस आ चुका, क्या है अपग्रेड, पता नहीं क्या हो रहा है, बट इनको मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले ये शाउट आउट ले ले, उसके बाद चले जाए, फिर आराम से प्रोग्रेस करे। और कुछ क्लेम ब्लॉक भी दे दूंगा ताकि अच्छा अच्छा चीज़ें बनाएंगे। और मैंने ना अपने ये सर्वर का इन्फॉर्मेशन सेकंड चैनल पे डाला था, इसलिए मेरे बाकी मेंबर्स नहीं आ पाए। तो अगर आप देख रहे हो मेरे मेंबर्स हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, आईपी मिल जाएगा। और कुछ लोगों को मुझे यूट्यूबर रैंक भी देना है, तो अगर आपने है ना, मेरा मतलब है आपने है ना मेंबरशिप ज्वाइन किया लेकिन अभी तक ये है ना एसएमपी में नहीं आए, तो फटाफट से आ जाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आईपी कहाँ मिलेगी। तो ये भाई यहाँ पे आ चुके हैं, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद से कुछ चीज़ें बना रहे बेसिक्स में, इनको तो हिट भी नहीं मार सकता। कोई नहीं, पहले इनको शाउट देता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है इनका नाम है वैभव, पता नहीं इनका कोई यूट्यूब चैनल है या नहीं, मैं सोचा था यूट्यूबर रैंक भी दे दूँ बट चलता है। तो यहाँ पे वैभव008 आ चुका है, तो यहाँ पे डन करते हैं। तो यहाँ पे ओके देख रहे, देख लो भाई देख लो, आपका नाम आ चुका है, बहुत बढ़िया। और इसमें ना अभी 2 या 3 ही लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 8 मेंबर है, तो बाकी 5 अगर आप देख रहे हो तो फटाफट से आ जाओ। तो इनको स्टार्टर किट दे दिया, यहाँ पे आप मेरे साथ प्ले कर सकते हो। और ओके चलो थैंक यू बोल रहे, ठीक है कोई नहीं, तो आप आराम से प्रोग्रेस करो, मस्त सा बेस्ट बनाओ, मैं भी वेट कर रहा हूँ आपका बेस्ट देखने के लिए। और हाँ, इसमें जो सबसे बेस्ट बेस बनाएगा उसको 100 रुपीज़ का मैं कोड भी दूंगा। मैं सोचा एक टूर्नामेंट टाइप रखने को, तो मैं फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ, तो हेल्प जरूर कर देना, अच्छा अच्छा बेस बनाओ। तो यहाँ पे ना मैं दोबारा से आ चुका हूँ, मतलब शेडर लगाने गया था। अभी आप मुझे ये शेडर देख के बताओ कि आप शेडर के साथ देखना चाहते हो या नहीं। तो मेरे को आना पड़ा क्योंकि ये हमारा प्रथमेश चौहान एक नया भाई है, तो इन्होंने ज्वाइन किया, तो इसको भी हम ज़रा शाउट आउट देते। और मुझे ना फुल लाइक डायमंड के चीज़ें बनाने, क्योंकि हमारे जो वो वैभव भाई थे उन्होंने तो लाइक डायमंड्स के टूल्स बना लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं दूसरा कुछ काम कर रहा था इसलिए। चलो कोई नहीं, पहले ना मैं कहाँ चलेगा यार। ओके भाई इनका पिंग तो थोड़ा ख़राब आ रहा है, अभी शायद ठीक हो जाएगा, अभी ज्वाइन किया, ये क्या है, ठीक है चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे मैं इनका लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया। पता नहीं यार ये डिस्कॉर्ड पे, अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो ना तो डिस्कॉर्ड पे जरा मेरे को मेल करो, आपसे बातें भी होगी। तो यहाँ पे मैंने इनको शाउट दिया, ये भी देख रहे हैं, देखो देखो आपका ही नाम है, और किसका हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बाकी 2 बंदों को दे दिया, अभी जो जो आएंगे सबको ऐसे ही दे देंगे, अब पता नहीं कब आएंगे, बहुत लोगों को आईपी नहीं मिला हुआ। तो अगर आपको मेंबर्स ओनली वाला जो कम्युनिटी पोस्ट है चेक करने नहीं आता, तो सिंपली आप कम्युनिटी पोस्ट में जाना, आप मेंबर हो गए तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप खाना निकाल के इनको थोड़ा सा खाना दे देते हैं, तो 32 देने वाले, 32 से ज़्यादा नहीं दे सकते, सॉरी वैसे 32 मोर देन इनफ है, इतने में तो आप प्रोग्रेस कर। अरे यार क्या हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है, एक मिनट देखने दो। इनके पिंक 3,500 कैसे यार, लाइक कुछ ग्लिच हो रहा होगा या इनका नेटवर्क इशू होगा, नहीं तो बाकी लोगों का तो सही चलता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ चलो प्रोग्रेस करो, चलो यहाँ पे हो गया अपना, तो एंटर मारते और चलो ठीक है, और थैंक्स सर भी लिख रहे, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बंदे हमारे बहुत सही है, ये लोग है ना लाइक बेकार में बेस बिगाड़ेंगे नहीं तो सही रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मली खराब खराब ब्लॉक लगा देते जो कि बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ से हमने इनसे सारे बातें कर लिए, और अभी बारी है कि हम अपना प्रोग्रेशन चालू करें, क्योंकि ये बंदे हमसे आगे निकल जाएंगे अगर मैंने कुछ जल्दी नहीं किया तो। तो वो भाई ये शेडर सच में बहुत प्यारा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेडर का सबसे एडवांस है, मैं अल्ट्रा पे चला रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लिटरली क्रेजी लग रहा है मेरे को। तो इनको मैं क्लेम ब्लॉक दे दूँ, इन्होंने क्लेम ब्लॉक मांगा, ठीक है चलो। तो कितने दूँ मैं इनको क्लेम ब्लॉक, आई थिंक 500 मेरे ख्याल से इनफ हो गए स्टार्टिंग के लिए। अगर आप अच्छे अच्छे बेस बनाते हो तो मैं आपको 1,000-2,000 क्लेम ब्लॉक दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दोबारा से, तो अभी है ना मुझे प्रोग्रेस करना है, लाइक तगड़ा वाला प्रोग्रेस करना है, जिसमें मैं फुल नेदराइट तो नहीं हुआ, थोड़ा दूर की बात होगी, फुल डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल बनाने वाला हूँ। तो ये सी मतलब सही रहेगा, मैं थोड़ा ऐसा लगना तो नहीं चाहिए कि मैं एकदम नूब हूँ, एकदम कम प्रोग्रेस करके, तो वही करते हैं। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं ये शेडर को बंद करता हूँ। अभी ना आप बताना कि आप शेडर के साथ देखना चाहोगे या नहीं, क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं है, तो फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं आ तो चुका हूँ दोबारा से, लेकिन मैं कहाँ पे जाऊँ वो देखने दो मुझे, लाइक एक माइन देखनी पड़े। देख रहे हो वो हमारा जो जॉम्बी का विलेज है, लाइक जॉम्बी बेबी जॉम्बी कितने स्पीड में भाग के आ रहा है धूप में हमको मारने के लिए, देख रहे हो कैसे नमूने हैं बड़े बड़े यहाँ पे। तो चल भाई निकल ले, पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ, खाने की तो कमी, वैसे वो मेरा खाना नहीं है, वो मैंने खाली स्टार्टर किट के लिए रखा है बंदों को देने के लिए। तो पहले हम थोड़े से कोल कलेक्ट कर लेते, और कोल का फिलहाल कोई काम तो है नहीं, बट ठीक है कोई नहीं, स्टार्टिंग में तो सब इंपॉर्टेंट होता है, और इनको पहले मैं निपटा देता हूँ। निकल ले भाई निकल, बहुत बढ़िया। मैं ना सोचा कि एक पब्लिक इंचेंटिंग, नहीं नहीं रहने दो, बंदे खुद प्रोग्रेस कर लेगा यार, सब कुछ मैं बंदों को दूंगा तो वो लाइक दिखाएंगे कैसे अपनी प्रोग्री। यहाँ पे हम कभी बंदों से ना लाइक पीयूपी भी करेंगे। अरे निकल ले ऐसे, ओके धूप से लगता है थोड़ा सा मरा था ना, तो एक शॉट में मर गया आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो थोड़े से ये पेड़ फेड़ काट लेते हैं, उसके बाद ताकि मैं माइनिंग पे जाऊँ ना तो नीचे कभी कभार क्राफ्टिंग टेबल बनाना होता है, नहीं तो पिकेक्स विकेक्स बनाना होता है तो कमी ना हो। और आपको पता है मैं ना अपना ये जो माइन है ना अपने घर के अंदर से बनाने वाला हूँ, यहाँ से लुको मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ से बनेगा। तो पहले खाना खाते हैं, और यहाँ से मैं सोचा नीचे से बनाऊँ ताकि कोई आई नहीं पाए, एकदम पर्सनल हो जाए। तो सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने दो, और पिकेक्स भी सही रहेगा अगर बना लूँगा तो। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, लेकिन है ना एक काम करता हूँ, मुझे पहले लेडर्स बना दे दो 12, मेरे ख्याल से इनफ हो गए। तो मैं पहले नीचे चलता हूँ 12 ब्लॉक, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता ना, इसीलिए अगर मैं लाइक सीढ़ी बना के गया तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो ये लेडर्स सही रहेगा। तो ये हो गया 12 ब्लॉक, काफ़ी सही है। अभी चलते सीधे माइनिंग पे। तो यहाँ से ना देखो -58 पे ही तो डायमंड्स मिलते हैं मेरे को, डायमंड्स की फिलहाल ओके आयरन भी मिल गया, सही है ठीक है, कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आगे और ओ भाई सही सी है, डायमंड काफ़ी, सॉरी डायमंड नहीं मतलब आयरन काफ़ी इजीली मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इनको भी मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो अभी ना मालूम है क्या करना है, अभी हमको लाइक डायमंड तो ढूंढना ही, आयरन तो मिल ही रहा है, तो इनको पहले है ना मुझे स्मेल्ट भी करना है। तो सबसे पहले जितने भी उसको निकालते हैं, और इसको यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं, और अपना फर्नेस किधर है, ओके ये रहा फर्नेस, तो इसको लगा दिया। मैं सोचा कि किसी बंदों को डायमंड की पिकेक्स गिफ्ट दूँ लाइक एज अ रिवॉर्ड, बट अब देखते कोई एक बंदे को पिक करता हूँ, अब कौन होगा कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ से मैं ये सारे के सारे को निकाल लेता हूँ पहले तो, और यहाँ से हम पहले बनाते अपना पिकेक्स। बहुत से एक और एडवांसमेंट मिल गया, हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बंदों से पीछे थोड़ी रहेंगे। तो यहाँ से और आयरन निकालते और एक बनाते अपना ये बनाते चेस्ट प्लेट, और दूसरा अपना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनेगा जो इनसे भी इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना कहाँ गया यार शील्ड, क्योंकि वही तो बचाएगा हमको सबसे, क्रीपर हो या फिर ज़ॉम्बी हो या फिर जो भी हो। तो यहाँ पे हम इसको पहन लेते, शील्ड पहन लिया और अभी चेस्ट प्लेट पहनते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्मूथ चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कि बंदे ने क्या प्रोग्रेस किया है, और अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो लोग, बट ठीक है चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे ना मैं निकाले तो बाकी सामान को, चलते यहाँ पे डायमंड ढूंढने, क्योंकि आयरन का तो काम हो गया बाकी सब। तो यहाँ से मैं नीचे माइनिंग करने वाला हूँ सीधे के सीधे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं Y40 पे हूँ ना, तो Y26 पे आ गया, और ये ज़्यादा ज़्यादा मैंने माइन क्यों कर दिया पता नहीं, लाइक डर्ट होते तो फटाक से निकल जाते शवल से। तो यहाँ ओके और आयरन मिल गया, ठीक है चलो, मतलब आयरन की तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं डायमंड के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार फ्री का मिल रहा है तो कलेक्ट करते हो। और देख सकते हो कितनी जल्दी मुझे डायमंड मिल गए, ये Y6 पे मिले, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो गए, क्योंकि Y6 पे इतने ज़्यादा नहीं मिलते, लाइक 4-5 या फिर 3 ऐसे ही मिलते, ओके 3 ही यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं चलता है। इससे मैं पिकेक्स बनाऊँगा, और बनाऊँ क्या, बना ही लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बना लिया, तो अब मेरी माइनिंग थोड़ी ईजी हो जाएगी, फास्ट में होगी, क्योंकि ये कबल डीप स्लेट बहुत स्लो टूटते हैं। तो पहले मैं है ना इनको तोड़ लेता, ये हो गया बहुत बढ़िया। तो अभी है ना हम यहाँ पे अपनी माइनिंग फुल कंटिन्यू करते हैं, मुझे फुल डायमंड का सेट बनाना है आर्मर के साथ, टूल्स के साथ, और यहाँ पे मुझे लैपिश मिल गया, सही है चलो। इससे ना हम अपना लाइक थोड़े बहुत वो करेंगे इंचैंटमेंट सेटअप का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं -10 पे आ चुका हूँ, और ओके -10 पे ही मुझे एक डायमंड, ये भी ज़्यादा नहीं होगा, देख सकते हो 4 है, चलो मैं गारंटी देता हूँ 4 ही है, देख रहे हो, क्योंकि लाइक Y58 से लाइक ऊपर रहो ना तो आपको लाइक ज़्यादा मिलने के चांसेस कम रहते। तो यहाँ से मैं ना एक एक्स बनाता हूँ और एक शवल बनाता हूँ, स्वॉर्ड तो ऑब्वियसली बात नहीं बनाऊँगा, बाद में देखेंगे थोड़ा मिलेगा तो आगे। तो यहाँ पे मैं कोई गुफा में आ चुका, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, गुफा में मैं क्या ही करूँगा, डायमंड गुफा में ज़्यादा नहीं मिलते, लाइक 1-2 मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो -25 पे आ गए, सही है चलो। तो यहाँ पे कितने मिले, यहाँ पे भी 5 ही मिले, ज़्यादा नहीं मिलता यार इतना वाई लेवल पे, मेरे को बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे थोड़े से गोल्ड मिले, थोड़े से क्या शायद दो है आई थिंक, 2 है चलो कोई नहीं, ओके। तो मुझे यहाँ पे और डायमंड मिल चुके हैं लाइक पास में, केओ के पास है ना, तो बहुत इजीली मिल जा रहा है, और शायद से ये ख़त्म है यहाँ पे, नहीं एक और है आई थिंक, 3 ही था, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी है ना और चलते। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डायमंड मिला था, बट मैं गहराई में गिर गया था, ये तो अच्छा है नीचे पानी था तो मैं लिटरली बच गया। मुझे एक बकेट बनाना था, मैं भूल ही गया यार, बिना बकेट के घूम रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे बाहर निकल रहा हूँ, मैं ना माइनिंग करके आ चुका हूँ, और मुझे लाइक
26 मिला आई थिंक, 18 तो पहले से थे, बाकी 6 ब्लॉक मिले थे मुझे शायद से। चलो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, सॉरी ब्लॉक कह दिया मैं, ब्लॉक नहीं मुझे और मिले थे, तो यहाँ पे फुल बन चुका है। और एक ये स्वॉर्ड बनता है, दो बचा के रखते हैं, दो से एन्चेंटिंग टेबल बनेगा। तो अभी इसको फेंकते और चलते फटाफट से अपना ये थोड़ा खाली करते हैं इन्वेंट्री, क्योंकि भरे इन्वेंट्री में अपना कुछ काम होता नहीं। और बंदे तो मुझे दिखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, चलो उनको बाद में ढूंढता हूँ, पहले ये सामान खाली करते हैं। तो ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसको स्मेल्टिंग पर लगा दिया, इसमें कोल नहीं है बट ट्रेन देते, इसमें इन्वेंट्री खाली होगा। और ये पूरा सेट पहन लिया मैंने, उसके बाद ये सारे का सारे सामान को रखते, किसी बंदे को दे देंगे यार आर्मर का सेट, कोई नया आता है तो ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा रेडी हो चुके हैं, बहुत ही लाइक टाइम लगा यार मेरे को ये माइन करने में, क्योंकि -58 पे मैं गया नहीं और ऊपर ही ऊपर माइन कर रहा था, थोड़ा टाइम लगे बट चलता है यार। अपने तो पूरा है, अपने को इतना नॉलेज है। और बताना कि आप शेडर के साथ देखना चाहोगे या नहीं, मुझे शेडर के साथ लिटरली खेलने में मज़ा आता है, अगर लैग ना करे तो। वैसे लैग तो करता नहीं है, वैसी बात है, मतलब गेमिंग पीसी है तो लैग थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे ना अभी एक काम करते, एक बंदा यहाँ पे हमको दिख रहा है, उससे ज़रा बातें करते। ओके, तो ये हमारे प्रथमेश चौहान भाई है, चलो ठीक है। और ये खाना भी खा रहे, क्राउच भी हो रहे, ठीक है। एक मिनट, ये हिल नहीं रहा, आई थिंक ये कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है देखते क्या लिखते हैं। तो ये बंदे लिख रहे गुड, अरे हाँ गुड, अगर आपने समझा नहीं ये गुड मॉर्निंग क्यों लिख रहे हैं, तो मैं सच बताऊँ ना, तो हम सुबह के 6 बजे खेल रहे हैं, मैं 6 बजे गया ये प्ले कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही मज़े में चला गया प्रोग्रेस करने, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना तो ज़्यादातर उसी टाइम पर खेलता हूँ। तो थोड़ा बहुत इनसे बातें तो हो गई। और ये बंदे नहीं कुछ बनाए क्यों नहीं, आई थिंक बनाए इसने, कहीं तो रखा है, मुझे लेके जा रहा है वहाँ पे, चला चल के देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे इसने चेस्ट लगाया, ठीक है मैं खोलूँगा नहीं ये चेस्ट, बट कोई नहीं, बट यहाँ पे नहीं बनाओ यार, यहाँ पे आके बनाओ, क्योंकि वहाँ पे लाइक बेस ख़राब हो जाएगा। ये सही है, यहाँ पे आके बनाओ, सही रहेगा। तो चलो ये यहाँ पे बनाएंगे, इनको एक गोल्ड की भी दे देते और चलते रहते। तो चलिए गाइस, अगर आप इसमें खेलना चाहते हो तो आईपी ले लो, मैं यहीं पे आपको मिलूंगा।